में जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं, खुदा जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया तो उसने गर्भवती औरतों को जिनके पास ये गर्भवती औरतें मेरे मुंह से अगर परमेश्वर दे रहा है तो आप हो यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मैंने कहा आप हो यीशु मसीह के नाम से। जब मैं से प्रार्थना करके उठा तो तुरंत खुदा ने मुझे एक वचन, मैंने जब बाइबल पकड़ी तो मुझे वचन दिया उत्पत्ति में जाना, इसकी 21 की 6। और जिन बहनों के बच्चे नहीं है उन्होंने इस वचन को अपने घर में लिखकर लगाना और इस वचन को अपनी प्रार्थना में बोलना है। अगर परमेश्वर ने ये वचन यहां पे जिनके बेबी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, अगर उसने ये वचन ऐसे लिखकर हमें दिया है, बोलो क्या है, अगर उसने लिखकर दिया है तो परमेश्वर ऐसे किसी भी चीज को नहीं देते। हर एक चीज का कारण है, मतलब है। तो यहां पे लिखा और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे? मैं शुरू से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। 21 की 1 की, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, इसलिए सब सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। आमेन, हालेलुया। यहोवा ने मेरी शुद्धि ली है, मेरी कुक को खोला है, मुझे गर्भवती बनाया है। उसने कहा है कि सेम जैसे उसने मुझे प्रफुल्लित किया। पंजाबी में कैसे लिखा ये वचन है, पढ़ो माइक पे पढ़ो ये 21 की 6। उपरांत सारा ने आख्या, परमेश्वर ने मैनू हसाया है अते सारे सुनने वाले मेरे नाल हसणगे। आमेन। पंजाबी में ऐसे लिखा, हसाया है, हसाया का मतलब मुझे खुश किया है, क्योंकि उसके 5 संतान नहीं थे, बच्चा नहीं था। क्या नहीं था? इस वचन को जिनके पास नहीं है बेबी, इस वचन को अपने घर में लिखकर लाओ, लगाओ अपनी दीवार पर और इस वचन को अपनी प्रेयर में बोलो, प्रार्थना में बोलो, निश्चय परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा। उसने कहा जैसे मुझको परमेश्वर ने हसाया, जैसे मुझे प्रफुल्लित किया, उन बाकी सबको भी क्या करेगा, वो करेगा और आप वो कर चुका है। आमीन।